वसई विरार शहर महानगर पालिका अब उन लोगों को विकास कामों के लिए टेंडर देने लगी है जिन्हें ना ही काम करने का तरीका आता है और ना ही नगर पालिका के नियमों को पालन करना। परंतु उसके बाद भी वसई विरार मनपा इन्हें टेंडर देने पर मजबूर है, और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे बागड़ बिल्लों को ही तो टेंडर देकर नगर पालिका मोटी मोटी रकम अपने जेब में डालती है और दिखावटी रूप में जाहिर करती है कि वे लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। लेकिन असल में इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले प्रभाग समिति सी की है, जहां पर रात के समय विरार पूर्व के नारंगी इलाके में गटर का काम मनपा द्वारा किया जा रहा है। परंतु इस गटर का खोद काम कर गटर के अंदर से निकाले गए सारे कंक्रीट, मिट्टी, कीचड़ तथा सारे गंदे अवशेषों को जीवदानी मंदिर के नीचे रास्तों के बगल में डंप किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे किसी भी कामों में यदि मिट्टी या किसी भराव को दूसरे जगहों पर उड़ेला जाता है तो उसके लिए उन्हें रॉयल्टी भरनी पड़ती है अथवा उपरोक्त जगह के मालिक का परमिशन लिया जाना अनिवार्य है। परंतु मनपा द्वारा दिए गए इन अनपढ़ ठेकेदारों ने अपनी मनचाही जगह को चुनकर मनमाना तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, इन ठेकेदारों ने गटर से निकाला हुआ पूरा मल और गंदगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिना परमिशन के सरकारी जमीन पर उड़ेल दिया। आपको बता दें कि यह जगह महाराष्ट्र शासन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंतर्गत में आती है और मनपा के इस अवैध कामों के लिए उन्हें किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी गई है। साथ ही जब यह अवैध कार्य को अंजाम दिया जा रहा था, तभी एक ट्रक कीचड़ और कंक्रीट के कारण इतना भारी हो गया कि ट्रक का एक भाग पूरी तरीके से उल्टा हो गया और पलटी होते होते बच गया। गलीमत तो यह रही कि रात का समय रहने के कारण कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटित हुई। इस धड़ल्ले से चल रहे अवैध कार्य के बाद उस ट्रक को जेसीबी की मदद से सीधा किया गया। बस इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि नारंगी इलाके में जेसीबी द्वारा खोद काम करते वक्त बिजली का एक तार अचानक से टूट गया, जिसे शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ समय के लिए पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गई। आपको बता दें कि यह टेंडर किसी SM डेवलपर्स को दिया गया है, जिसका पूरा कारभार महिपाल सिंह देवड़ा रानीवाड़ा नामक व्यक्ति को दिया गया है, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने कर्मचारियों से सरकारी नियमों का पालन करवाएं। लेकिन शायद वे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस व्यक्ति का नाम है शैतान सिंह, जो इस पूरे कारभार की देखरेख कर रहा था, और यह वही शख्स है जिसने रात के अंधेरे में गैर कानूनी धंधों को अंजाम तो दिया ही, साथ ही ट्रक का नियंत्रण बिगड़ने के बाद उसे चुपके से जेसीबी से हटाकर मामले को रफा दफा कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी हमने तुरंत ही प्रभाग समिति सी के सहायक आयुक्त, इंजीनियर तथा पुलिस विभाग को दी, लेकिन वो मनपा की आड़ में ये सभी बचते नजर आ रहे हैं, जिन पर ना ही कोई रोक है और ना ही किसी भी तरीके की कार्रवाई।